Hello students, welcome to this part of the video of encapsulation. और इस part में हम encapsulation में आगे जानेंगे constructor के बारे में. तो constructor क्या होता है, जैसे बाकी member function है वैसे ही constructor भी एक member function है, but ये बाकी function से अलग है. क्यों अलग है? क्योंकि एक ऐसा function है जिसका पहला point है कि which has the same name as class name. So, जो भी क्लास का नाम है कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है, अलग से कोई नाम नहीं लेना है, बाकी फंक्शन नाम अलग होने चाहिए, ठीक है. और इसका काम क्या है? इसका काम है इनिशियलाइज करना मेंबर डेटा को, इसमें वैल्यूज उसमें स्टोर करते हैं, ठीक है. क्योंकि कोई भी चीज आई है सबसे पहले उसमें कोई ना कोई वेरिएबल्स में वैल्यू होनी चाहिए जिसको हम प्रोसेस करना चाहते हैं. तीसरा पॉइंट है कि जो भी कंस्ट्रक्टर है इसको हमें अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं है. कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ठीक है. और कंस्ट्रक्टर का काम है इनिशियलाइज करना, इसलिए वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है. और क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता है इसलिए हम इसके डेफिनेशन में डिक्लेरेशन में वॉइड कीवर्ड नहीं लगाते हैं. ऑलराइट, ना तो वॉइड कीवर्ड लगाना है ना इसके अंदर कभी भी रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है. दो तरह के कंस्ट्रक्टर है, पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज्ड. आपने फंक्शन बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं दिए हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. और अगर आपने पैरामीटर दिए हैं, आप चाहते हैं कि अपनी कोई वैल्यू से इनिशियलाइज करें, तो बनाएंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है. तो हम जो भी वैल्यू कंस्ट्रक्टर को पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी वेरिएबल से वैल्यू इनिशियलाइज होगी. और अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो कंपाइलर अपने आप से कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है और उसमें डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करता है. पर वो डिफॉल्ट वैल्यू जो सिस्टम द्वारा दी है, डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ इंटीजर जो भी है कैरेक्टर के डिफॉल्ट वैल्यू, वही इनिशियलाइज होंगे. कोई और डिफॉल्ट वैल्यू चाहते हैं तो आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है. अब एग्जाम्पल से देते हैं कंस्ट्रक्टर बनाना कैसे है. एक क्लास है, स्टूडेंट. सो मेंबर डेटा सपोज करिए रोल नंबर एज इंटीजर टाइप और नेम एज स्ट्रिंग टाइप, ठीक. आपने डिक्लेयर कर दिया, आप इसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू. तो आपने कंस्ट्रक्टर क्या बनाना है, उसका नाम वही होगा जो कि क्लास का नाम है. और यहां पे ध्यान से देखिए, हमने वॉइड नहीं लगाया और इसके अंदर हमने रोल नंबर इनिशियलाइज कर दिया, नेम इनिशियलाइज कर दिया और राइट. तो ये आपका बन गया कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट, ठीक. अब हम इन वैल्यूज को यूज करना चाहते हैं जो भी प्रोसेस करना करेंगे. फिलहाल मैं आपको बना रहा हूं यहां पे एक सिंपल सा फंक्शन डिस्प्ले करने का जो रोल नंबर और नेम की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है. ठीक, अब ये हमारा बन गया क्लास, कंस्ट्रक्टर और फंक्शन टू डिस्प्ले द वैल्यू. इसको यूज करने के लिए मुझे चाहिए एक मेन फंक्शन, तो मैंने मेन फंक्शन बनाया. इस मेन फंक्शन में हमने बनाया ऑब्जेक्ट. जैसे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो क्या होगा, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. तो यहां पे ऑब्जेक्ट बन गया. इस ऑब्जेक्ट बनते ही जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है. वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और रोल नंबर की वैल्यू और नेम की वैल्यू आनंद स्टोर हो जाएगी. हम डिस्प्ले करें तो आप देखेंगे आउटपुट में आएगा वन और आनंद, ठीक. तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है अपने आप से. आगे और डिस्कस करें तो अगर मैं इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट बना दूं, और
मैं दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, रोल नंबर और नेम दोनों की दो कॉपी बन जाएगी। और आउटपुट क्या आएगा, वन आनंद, वन आनंद। अब देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से क्या हुआ कि आप हर ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते जाइए, हर ऑब्जेक्ट के पास ये ही वैल्यू स्टोर होती जा रही है। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आप क्या डाल रहे हैं, कॉन्स्टेंट स्टोर कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट स्टोर करने से क्या हो रहा है, हर ऑब्जेक्ट के पास यही सेट ऑफ वैल्यू स्टोर हो रही है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी किस कंडीशन में डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं यूज करेंगे, उस केस में जरूरत पड़ती है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, यहां पे हम पैरामीटर देने पड़ेंगे, रोल नंबर के लिए एक वैल्यू दे दी हमने और नेम के लिए एक वैल्यू दे दी। तो यहां दो वेरिएबल आर और एन रोल नंबर और नेम की वैल्यूज को रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, जहां से भी फंक्शन कॉल किया जाएगा वहां से वैल्यू आएंगी और रोल नंबर और नेम में स्टोर हो जाएंगे। तो ये वैल्यू कंस्ट्रक्टर के पास आएंगे कब, हमने पढ़ा है कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे स्टूडेंट क्लास का, वन आनंद, दूसरा ऑब्जेक्ट या दूसरी सेट ऑफ वैल्यू दे सकते हैं, तो यहां पे अगर आप देखें जो हमने कॉल किया ओबी डॉट रोल नंबर, सॉरी डिस्प्ले करने का फंक्शन है पुट, और दूसरा डिस्प्ले करा ओबीजे डॉट डिस्प्ले के लिए, दूसरा के लिए पुट फंक्शन कॉल किया। तो आउटपुट में क्या देखेंगे, जब हमने ओबी डॉट पुट किया तो ओबी वाले ऑब्जेक्ट के लिए आपने वन और आनंद दिया था, तो आर की वैल्यू वन हो गई थी तो यहां वन गया है, एन की वैल्यू आनंद थी तो नेम में एन गया है। जब ओबी डॉट पुट किया तो ओबी वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो वैल्यू आपने पास की थी वो आउटपुट में आएंगी, और जब ओबीजे डॉट डिस्प्ले किया है तो ओबीजे ऑब्जेक्ट के पास में जो आपने वैल्यू दी है वो आएंगी। तो यहां से ये हो गया कि डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज अगर आपको पास करनी है तो आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो दिस इज क्लियर नाउ। अब अगर हम यहां पे किसी केस में अगर हम यहां पे ये ना लिखते, ठीक, तो क्या होता। ठीक है, तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो कंपाइलर अपने आप से कंस्ट्रक्टर बनाएगा। ठीक है, पर यहां पे देखें कि ये जब आपने कोई भी वैल्यू पास नहीं की गई तो यहां पे ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है जो मैच कर रहा हो वो नहीं है, पर अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लेगा अपने आप से, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी बनता है अपने आप जब आपने कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं है। पर अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाया तो फिर आपको हर जो भी तरह के ऑब्जेक्ट बनाते समय आप कॉल करना चाहते हैं हर टाइप के लिए कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, और एक क्लास के अंदर में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने इसे फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ी है कि व्हेन देयर आर मोर देन वन फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट फंक्शन सिग्नेचर पैरामीटर लिस्ट आर डिफरेंट, सो वी कैन हैव सच फंक्शंस। ऐसे फंक्शन हो सकते हैं एक से अधिक जिनके नाम सेम हो, तो वैसे एक से अधिक कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं जिनके नाम सेम हो, कंस्ट्रक्टर है तो नाम सेम होगा ही होगा, पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होगी। तो यहां पे वो हम ऐसा कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, जगह हम सपोज करें यहां पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर रोल नंबर की कोई वैल्यू है, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू और जीरो
और नेम की वैल्यू, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई नेम की वैल्यू ले रखी है जो कि डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो हम अगर जब ये कॉल कर रहे हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, और जब हमने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो जब हम ये कर रहे हैं तो ये दिखाएगा जीरो एक्स वाई जेड और टू अभिनव। तो यहां पे हमने एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बना लिया अगर एक ही फंक्शन में, तो देन वी कैन से दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। When we are having more than one function in a class, then this becomes function overloading. All right. So I hope you have understood what is constructor, what is function constructor overloading. All right. Thank you very much for watching this video.